बस्ती के इकोना में पंजाबी समुदाय की महिलाओं ने करवा चौथ का पूजन किया। व्यापारी अनिल नैयर के घर पर आयोजित इस पूजन में महिलाओं ने विधि पूर्वक अपने पतियों की लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना की। कानपुर के रेल बाजार थाना प्रभारी पर 25 लाख रुपए के चोरी के जेवर बेचने का आरोप है, जबकि एक लापता महिला के मामले में दरोगा ने उसके साथ अश्लीलता की। इन गंभीर मामलों में थाना प्रभारी को छुट्टी पर भेज दिया गया और संबंधित पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। एक महिला कांस्टेबल के साथ भी रेप की घटना हुई। हालांकि इन मामलों पर कोई भी अधिकारी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। इंचार्ज फेरफुलगंज, जिनका नाम गजेंद्र सिंह था, उनको लगाया गया था। उन्होंने युवती को बरामद किया और उसी दौरान जो है कुछ अभद्र व्यवहार और बैकटच की बात जो है प्रकाश में आई है। इस बात को जो है वो जब जांच के दायरे में लाया गया और जांच की तथ्य सही पाने पर काल प्रभाव से इनको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और इसमें जो अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हाथरस में प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे ओयो होटल पर छापा मार कर उसे सीज कर दिया। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के मथुरा रोड स्थित इस होटल में असामाजिक गतिविधियां पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया है। बागपत के बड़ौ क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार बोलेरो कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैनपुरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा उपचुनाव में पीडीए से घबराई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में विकास और न्याय की कमी है। बदायूं में सुबह तड़के एक सिरफिरे ने गांव के लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पेड़ से बांध दिया। पुलिस को सूचना मिलने में देरी हुई, जिससे ग्रामीण कोतवाली पहुंचे। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना बिसौली कोतवाली क्षेत्र के मदन जुड़ी गाँव से है। प्रतापगढ़ में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में एटीएल मैदान में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। इसी बीच सैयदन मोहल्ले में अजय मौर्य की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कानपुर में पुलिस ने मोमबत्ती व्यापारी को पैसे की डिमांड की और मना करने पर उसे पीट दिया। व्यापारी की शिकायत पर जांच की गई, जिसमें चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है और दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। हरदोई में पूर्व विधायक उपेंद्र तिवारी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। कहा कि उन्हें दंगों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि गुंडे और माफियाओं पर जब कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव परेशान होते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय महोबा पहुंचे और चुनाव में सपा के साथ सीट शेयरिंग की बात कही। कहा कि इंडिया गठबंधन भाजपा को हराने के लिए मिलकर लड़ेगा। उन्होंने प्रदेश में बढ़ती हत्या और कानून व्यवस्था को भी फेल बताया। यूपी के कौशाम्बी जिले में पत्नी ने अपने पति को खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। पति की हालत बिगड़ी तो वो मौका देखकर फरार हो गई। इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आगरा में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। अधिकारियों के साथ बैठक की, उन्होंने प्राथमिकता बताई और महिलाओं से संबंधित अपराधों पर गंभीरता से चर्चा की। मेरठ के थाना इंचौली क्षेत्र में एक बीटेक की छात्रा ने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को गले लगा लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। तो वहीं आसपास के पड़ोसियों का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों ने ही छात्रा की जान ली है। कानपुर में लापता युवती के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस कमिश्नर ने दरोगा गजेंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। दरोगा पर मुंबई से युवती को कानपुर लाते समय छेड़छाड़ करने का आरोप था, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने शिकायत की थी। फरुखाबाद में कोतवाली के सामने लगे इंडिया वन एटीएम से नकली नोट निकलने का मामला सामने आया है। 200 और 100 रुपए के नकली नोटों के निकलने से हड़कंप मच गया है। एक युवक ने एटीएम से रुपए निकालने के बाद नकली नोट मिलने पर पुलिस को शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की और उसे कोतवाली से भगा दिया।